dress is getting just a little bit lower. Mine's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I'll be lost, I'll be found in the broken. Way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अदर न्यू फ्रेश व्लॉग। जैसे कि आपने पहले वाले व्लॉग में देखा कि हमने टीवी परचेज करी है रेडमी की 50 इंचेस की, काफी ह्यूज साइज है। ओला के अंदर लेकर आए थे हम उसको, अभी घर पे रखी हुई है, सेफ साइड है एंड आज उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने वाला है। एंड ओला करके हमने टीवी को घर पे बुलाई एंड उस दिन बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, तो भगवान जी की कृपा से अच्छे से घर पे आ गई और अभी टीवी का बॉक्स रखा हुआ है। बट एक और चीज है कि अभी तक हमने ना टीवी को निकाला नहीं, मतलब खोला नहीं है, क्योंकि अगर अभी हम उसकी सील ब्रेक कर देते ना तो उसकी वारंटी वॉइड हो जाती है, अगर पैनल वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आती। तो आज आ रहे हैं इंजीनियर पूरा जो अनबॉक्सिंग है वो आपको दिखाएंगे एंड उसकी मैं वीडियो शूट करूंगा एंड आपको दिखाता हूँ किस टाइप से इंस्टॉलेशन वगैरह होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द व्लॉग। तो ये है वॉल जहां पर न्यू एंड्रॉइड टीवी इंस्टॉल होने वाला है एंड वॉल माउंट अलग से आपको परचेज करना होता है जिसकी कॉस्टिंग होती है 500 रुपीज। टीवी के अंदर वॉल माउंट नहीं आता है, टीवी के अंदर सिर्फ स्टैंड आता है, बट हमें वॉल माउंट कराना है टीवी को, तो इसलिए हमने वॉल माउंट परचेज कर लिया है। एंड यहाँ पर सील ब्रेक होते हुए हमारी नई टीवी की, तो यहाँ पर जो टेक्नीशियन है, जो इलेक्ट्रीशियन आए हैं, वही इसकी सील को ओपन कर रहे हैं। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी कोई भी आप एमआई का प्रोडक्ट लें तो आप जरूर टेक्नीशियन का वेट करें, उन्हीं से ही सील ब्रेक कराएं, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वारंटी वॉइड होने का खतरा रहता है। तो प्लीज़ जब भी आप ऐसी टीवी वगैरह लें तो टेक्नीशियन से ही जो बॉक्सिंग है उसको ओपन कराएं। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टीवी हमारी जो ओपनिंग इसकी हो रही है वो यहाँ पर चल रही है एंड यहाँ पर द मोमेंट ऑफ ट्रुथ के कैसी टीवी निकलती है, पैनल वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी ये चीज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ एक वीडियो प्रॉपर आप बना के रखें, चाहे आप YouTube वगैरह पे अपलोड करें या फिर ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, बट एक वीडियो ज़रूर बनाएं। एंड यहाँ पर जो हमारा टीवी का पैनल है वो निकल चुका है, जो Redmi की हमने टीवी ली है। सो यहाँ पर आप देखिए 50 इंचेस में काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड पैकेजिंग की बात करूँ सो नो डाउट पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, पीछे आपको Redmi की बैजिंग मिल जाएगी। तो अभी हो रही है यहाँ पर टेस्टिंग हमारे पैनल की, कि इसमें कोई लाइनिंग वगैरह तो नहीं आ रही है, कोई फ्लिकरिंग तो नहीं आ रही है डिस्प्ले में। सो अभी जस्ट वो चेक कर रहे हैं एंड वो सक्सेसफुल होने के बाद में इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है टीवी की, भैया हमारे पास में आए हुए हैं इंस्टॉल करने के लिए, जावेद भैया हैं। भैया एक बार स्माइल कर दीजिए और हेलो बोल दीजिए। हेलो। तो भैया यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल बहुत बढ़िया तरीके से होगी यहाँ पे, और ये इस जगह पे हमें इंस्टॉल कराने वाले हैं जहाँ पे 32 इंचेस की पहले लगी हुई थी, तो क्लैंप वगैरह निकाल दिए हैं, अब यहाँ पे 50 इंचेस लग जाएगी। ये वाटर लेवल है अपना। अच्छा, इससे क्या है कि लेवल देखने के लिए सेंटर तो अपन ने ले लिया है। हाँ। इससे स्टैंड अपना सीधा लगेगा, जिससे अपनी टीवी बिल्कुल सीधी लगेगी। अच्छा, इससे क्या है बबल बीच में रहेगा तो अपना स्टैंड सीधा है। अच्छा, अब चलेगी अपनी मशीन, ड्रिल मशीन। ये चलेगी ड्रिल मशीन, वो सूखा प्रेशर उठाने वाला जो सूखा होता है वो दे दीजिए, इससे डस्ट अपनी निकलेगी। ठीक है, लेके आता हूँ मैं। लोगों को सीख मिलेगी कि काम किस तरीके से होता है, किस तरीके से होता है। इस तरीके से अपन ने लिया है डस्ट। हाँ, ये देखिए आप, नीचे कुछ भी नहीं आया। ये है प्रोफेशनल वे, बहुत शानदार। ये अपन ने एंकर फास्टनर लगा दी। हाँ ठीक, वाइट कलर के। ओके, इससे लॉकिंग होती है। अच्छा, ये अपना बाल माउंट स्टैंड है, ये अपन ने इसमें ये नट लगा था। ये गोटी है, इसे फाइनल लॉक कर देंगे अपन। अच्छा, टाइट, बिल्कुल बिल्कुल टाइट। फाइनल हो चुका है, शानदार। ये अपना परफेक्ट लॉक हो गया है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अरे बिल्कुल, वो तो लग ही रहा है।
HDMI लग गई, पेन ड्राइव अपनी यहाँ लग जाएगी, दो HDMI स्लॉट है, दो USB है, और ये अपना RF कन्वर्टर है, ये AV पॉइंट है, ये ऑप्टिकल पॉइंट है, और ये लेंथ केबल है, इंटरनेट केबल। इंटरनेट अपन वाईफाई से वो कनेक्ट कर सकते हैं ना इथरनेट का? हाँ, ले आएंगे उसकी केबल। सर्वर से भी कनेक्ट हो जाएगी आपकी टीवी। अच्छा, अगर राउटर पास में तो आपको जरूरत नहीं है। हाँ तो राउटर तो बिल्कुल नीचे ही रखा रहेगा। नीचे ही होगा। 5 GHz का नहीं है। अब लग रही है टीवी। हेल्प कराऊं क्या भैया? नहीं। हाँ शानदार। एक नंबर लग रही है। लेवल में चाहे तो अपन इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अपने ऊपर है ये। हाँ। इसे मैं अभी फाइनल लॉक भी कर दूंगा। अगर अच्छा। आप फाइनली कर दीजिएगा। हाँ। जब अपन ने सेंटर में ले लिए। अच्छा। फाइनल लॉक कर देंगे अपन, ठीक है ना? हाँ ठीक है। कैसी लग रही है? मस्त, एक नंबर। भैया ने सबसे अच्छे से फिट करी है। फिल्म उतारना बहुत जरूरी है। फिल्म तो आप उतार दीजिए। फिल्म इसलिए कि बहुत से लोगों का कहना है कि फिल्म नहीं उतारो। क्या फिल्म उतारने से ये रहता है कि टीवी का जो डिस्प्ले रहता है वो सेफ रहता है, लाइफ टाइम चलता है। अच्छा। हाँ, पैनल का अगर पन्नी नहीं उतारेंगे तो टीवी जो आप साल डेढ़ साल में आपका डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई भैया। MI में बहुत शिकायत आती है। हाँ। शिकायत इसी कारण आती है डिस्प्ले की, फिल्म नहीं उतारने के कारण। अच्छा, हमारे भैया ने भी नहीं उतारी। अरविंद भैया को भी नहीं उतारी है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और अच्छी भी लगेगी। सही है। फिर बारिश वगैरह अपने यहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड नेचर भी रहता है ना, तो इसीलिए डिस्प्ले में वो फिर ओस जम जाती है, उमस रहती है, उसके कारण भी हो जाता है। अब और अच्छी लग रही है पन्नी। हाँ, अच्छा लग रहा है। आप भी ले रहे हो तो आप भी निकाल लेना, जरूरी है फिल्म उतारनी। उठा के नहीं तो लोग बाग नहीं निकालते भैया इसे, कोई नहीं निकालते, सोचते सेफ रहेगी। भैया वो तो वैसे ही सेफ रहेगी। 5-10 साल जो टीवी चलती है। हाँ। फिल्म के कारण नहीं चलती। फिल्म के कारण साल डेढ़ साल में पैनल में लाइन और पैनल की दिक्कत आ जाती है। वो दिक्कत लिक्विड आ जाता है, बॉडी का लाइन आ जाती है। पब्लिक कहती है कि हमने तो MI की टीवी का। और ऊपर से हम लोगों को भी बुरा वाला कहते हैं कि कैसी टीवी है। क्योंकि लिक्विड डिस्प्ले रहता है ना वो, अब बाहर का लिक्विड आएगा तो वो तो प्रॉब्लम करेगा ही। जी, ये अपना रूमोट है, ये रूमोट जो है अपना ब्लूटूथ रूमोट है, इसे कहीं से भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं है टीवी के सामने। ये दो जो बटन है ये पेयरिंग वाले हैं, दोनों बटन को अपन को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जाना है। दोनों को साथ में प्रेस करके छोड़ेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। पेयर होने का इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे अपन, इंडिया में है तो इंडिया पे ओके, चाहे तो अपन ये वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई राउटर चालू करना, अपना राउटर कनेक्ट करना रहेगा। जब अपना टीवी ऑन हो चुका है, अपने टीवी का होम पेज सेम यही है। अच्छा। जब भी अपना टीवी चालू होगा होम पेज सेम यही आएगा। अच्छा, यही आएगा होम पेज। अच्छा। जो अपना लेफ्ट राइट के लिए है की है, स्टीयरिंग है, ये लेफ्ट राइट अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ऐप देखना है। सबसे पहले अपनी ये सेटिंग है, ये लाइव टीवी सेटअप बॉक्स के लिए है, ये अपने यूट्यूब अपना फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल प्ले मूवीज जो ऑनलाइन वगैरह देखने के लिए, ये मीडिया प्लेयर है, ये अपन इसमें पेन ड्राइव से वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर में अपन मेल ID डाल के लॉग इन कर सकते हैं, सेम मोबाइल प्रोसेसिंग की तरह। फिर ये अपन देख जाएंगे, ये मीना कास्ट है, इसमें अपन वायरलेस डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है। शानदार आ रही है पिक्चर क्वालिटी। थिएटर का मजा आ रही है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, थिएटर में अगर टीवी जैसे जब भी कोई लगवाए तो जरूरी है कि HD वीडियो और प्लस 4K वीडियो और HD सेटअप बॉक्स जरूरी है। स्टैंडर्ड बॉक्स से क्वालिटी नहीं आएगी। अच्छा। क्या होता है कि बहुत से स्टैंडर्ड बॉक्स लगा रहता है,
और पिक्चर क्वालिटी कैसे गल आ रही है, शोरूम पे भी अच्छी देख रहे थे यहाँ पे आके ऐसे, तो इसलिए हम लोग ये पेन ड्राइव में लेके चलते हैं। अच्छा, तो इमेज दिखा रहे कि पैनल अच्छा है, मेन सेटअप की प्रॉब्लम है, पैनल अच्छा है, सेटअप बॉक्स एचडी वाला चाहिए, चाहिए। ये देखिए रेड, इसे आरजी फॉर्मेट की वीडियो कहते हैं, जिससे अपना डिस्प्ले की स्क्रीन देखी जाती है, कोई धब्बा या कुछ डार्किंग तो नहीं आ रही है, पूरा क्लियर आ रहा है। हाँ डॉट पड़ जाता है ना, डॉट आता है, जैसे कोई डॉट दिख रहा है, निशान दिख रहा है, जिस कारण जिसके लिए वीडियो है। फॉल्ट किस कारण आता है, किस वजह से आता है, ये भी दिखाई दी वो आपको कि फॉल्ट ज्यादातर इस वजह से, इस वजह से आया, ये भी फॉल्ट भी चेक कराएगी आपको कि फॉल्ट ज्यादातर डिस्प्ले में इस कारण आता है, ये लाइन ऑफ पैनल की दिक्कत इस तरीके से आती है डिस्प्ले की फिल्म नहीं उतारने पे। अच्छा, आपके स्पीकर चेक हो रहा है, दिस इज द राइट चैनल, राइट चैनल चल रहा है आपका, दिस इज द लेफ्ट चैनल, दिस इज द लेफ्ट चैनल, वॉइस इन फेज, माय वॉइस इज इन फेज, my voice is in phase, my voice is out of phase, my voice is out of phase। जैसे आपने प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करी है तो ये एप्स में नहीं मिलेगी। अच्छा, अपन को सेटिंग में जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद एप्स में जाना। अच्छा, इधर एप्स में ओके करेंगे तो जो अपन ने एप्स डाउनलोड कर रहे हैं प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी, वो अपन को इधर इधर मिलेंगे। ठीक, तब ओके करेंगे तब आएगा, तो वो एक्सप्लेन आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। बाकी नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो है ही अपना। अब जब अपन सेटिंग पे जाते हैं ओके करेंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट, अब आ गया, वॉइस पे कमांड देंगे, ओके कर देंगे अपन, तो ये अपना गूगल असिस्टेंट काम करेगा। ये होम है, म्यूजिक है, म्यूजिक पे ओपन करेंगे तो टोटल म्यूजिक पेज ओपन हो जाएगा अपना। म्यूजिक में जो भी इमेज आप देखना चाहें, 4K में आप देखिए पुष्पा राज को, पुष्पा राज की कॉल आएगी, अच्छी आ रही है। तो गाइस फिटमेंट हो चुकी है एंड प्रॉपर फिटमेंट हुई है, आपने देखा बिल्कुल एच टू एच परफेक्शन आई थी, बिल्कुल भी 19-20 नहीं है। वो जो वाटर लेवलिंग का टूल था ना वो गजब का था। तो इसी के साथ आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज, फॉर मोर ब्लॉग्स लाइक दैट, एंड हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।